जी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस एग्जांपल यार? एन इक्वल भी है और गैप भी है। ये एक टेबल आपने बनवाना है लेसी का, लीज वो कहता है लो वैल्यू एसेट तो नहीं है, तो मेरा तो ख्याल शॉर्ट टर्म है। और शॉर्ट टर्म है यार, शॉर्ट टर्म क्यों नहीं है? जी अब टेबल आपने बनाना है, अमोर्टाइजेशन टेबल सिंपली वही फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल है, लेसी के एंगल से अगर बनाना है तो गौर से जरा सोच के बताएं कि लेसी का टेबल शुरू कहां से होना है, लीज लायबिलिटी, और लीज लायबिलिटी कहां किस पे रिकॉर्ड होनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। तो प्रेजेंट वैल्यू लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करवाएं जरा इस डाटा से। बिल्कुल सही है, यही छोटे अच्छा इसमें कोई ऐसे मुश्किल चीज नहीं है, गैप्स आ रहे हैं बीच में, अनइक्वल चीजें आएंगी, तो रिलैक्स रहिएगा बिल्कुल। हाँ जी, हो सकता है आपने कुछ चीजें पहले सुनी भी हो, लेकिन साथ साथ मेरे से भी ज्यादा सुनना। जी पहला रेंटल किस दिन है, शुरू में एंड में? कितने रेंटल है 60,000 के? कौन सा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, 1 + 0.1 - 1? ये तो पहले रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, आगे क्या करूं, प्लस 72,000 की प्रेजेंट वैल्यू लेदा क्यों लेनी पड़ रही है, डिफरेंट अमाउंट्स हो गई, अमाउंट सेम नहीं रही है, माइनस टू हो गया, प्लस 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 0.1 - 4 हो गया, 3 किधर गया, 3 मिसिंग है, निगोशिएट शायद हुआ है कि थर्ड ईयर में कुछ नहीं देना, सॉल्व करें, लिखे अपने हाथ से लिखे। अच्छा पहली से एग्जांपल जरा रजिस्टर पे लिख लें, अगली शायद एग्जांपल्स बुक पे नोट हुआ है शायद सारा ना लिखे, ये पेज नंबर सॉरी यार मैं 392 है यार, आई होप कि मैं बता पा रहा हूँ, पेज नंबर 392। चलिए शुक्र है लीज इतनी मुश्किल नहीं है जितना पेज नंबर बताना मुश्किल हो गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई, जी आंसर 1 7 1 4 2 4 2 3 है। क्या है ये, इसकी एंट्री बताएं, लेसी है, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये किन एंट्रीज तो नहीं मांग रहा, क्या मांग रहा, टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेसी का टेबल लीज लायबिलिटी से स्टार्ट होता है और लीज लायबिलिटी लेसी की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड होती है, टेबल की कॉलम्स बनाए, डेट रेंटल प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड बैलेंस। थोड़ी सी दो नई चीजें हैं, अगर टेबल बनवा दे, स्टार्टिंग डेट बोले, फर्स्ट जनवरी 18, स्टार्टिंग अमाउंट बता दें 171 4 2 3, नेक्स्ट डेट सोच के बता दें 31 December 18, एग्रीमेंट के मुताबिक चलते जाएं, अमाउंट बता दें 60,000, ब्रेकअप करवा दें 1 7 1 4 2, 10% शायद रेट है, 4 2 8 5 8 क्लोजिंग, ये पहले 2 साल का जरा कंप्लीट करके थर्ड ईयर में इकट्ठे हो गए, 31 December 19 तक इकट्ठे होगा, ये दो इंस्टॉलमेंट फाइनल करना। सेकेंड रेंटल हो गया 72,000, फाइव नाइन
144 12 856 69 4 क्या वो सभी थका हुआ है? यही जिंदगी हमारी है, थके हुए भी थके महसूस नहीं होना। सिक्स नाइन फोर वन एट बता दे फिक्र यार। फोर टू नाइन फोर वन एट, इसके अलावा इशू तो नहीं कोई, इसे रहने ही दे। रेट मेरा ख्याल सही कैलकुलेट नहीं हुआ, रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा हो सकता है वैसे, प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग और से देखें, प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग और से देखें, अगर मैं फेयर वैल्यू बता दूं हो सकता है, अगर एक फिगर रह जाए, सारी फिगर्स नहीं है। फोर वन एट ठीक है सर, क्या आंसर है जी? फोर वन एट यार फाइनल बता दो, खुद आगे यार बता दो। टू वन फोर टू जीरो, ये बाकी फिगर्स ठीक है? अगर बाकी फिगर्स ठीक है तो फिर मेरा तो कल 180 आता है, और अगर आपकी मेरे से बाकी फिगर्स डिफरेंट है तो ये भी रहने दे। इस बहस को यही छोड़ दें, मेन इश्यू पे आ रहा है आगे ना, मैं लिखने लगा कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट ईयर कौन सा है 2020, उससे अगला कौन सा बनेगा, अगला रेंटल किस डेट पे है, 84,000 2021 पे है। थर्ड ईयर में रेंटल कोई नहीं, लेकिन क्या थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी कोई नहीं? कैलकुलेटर पकड़े, कंसंट्रेट फुल करें जरा। 69418 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 6942 इंटरेस्ट बना, प्रिंसिपल बैलेंसिंग फिगर बताएं। प्रिंसिपल बैलेंसिंग फिगर कैसे बताएं? प्रिंसिपल बताते कैसे थे पहले? रेंटल से, रेंटल से, तो रेंटल तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो है। प्रिंसिपल रीपेमेंट तो कुछ नहीं होनी, लेकिन क्या इस साल का एक्सपेंस भी नहीं है? क्या इस साल का एक्सपेंस अब इसी साल के एंड पे हो रहा है? तो क्या होगा बैलेंस वाले कॉलम में? बैलेंस वाले कॉलम में 69418 में कुछ ऐड तो नहीं हो जाएगा? पहले सिर्फ प्रिंसिपल पेएबल था, अब ये वाला इंटरेस्ट भी पेएबल हो गया, जो अगले साल में शायद पे होगा। ऐसे ही सर, पहले दो सालों में क्या हुआ, साथ साथ रेंटल के इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो पिछले साल के एंड तक तो प्रिंसिपल पेएबल था 69418, लेकिन अब ये तीसरे साल का इंटरेस्ट तीसरे साल में दान देने की वजह से टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा? yes, कैसे वर्किंग करूं? 69418 क्या था? प्रिंसिपल पेएबल प्लस उसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट भी पेएबल इज इक्वल, एक मिनट बताएं अभी ना लिखे डे 7632 थोड़े इस बात, एक मिनट छोड़े, पहले लास्ट ईयर मेरी कंप्लीट हुआ। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कैसे लो? तो यार उसमें तो पहला इंटरेस्ट भी है, अगर इंटरेस्ट एनुअली नहीं देंगे तो साल बाद कंपाउंड भी होगा। अब किस में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 7636 बैलेंसिंग फिगर बताएं, 7636 ये थ्री आया था, 7636 नहीं इंटरेस्ट, बैलेंसिंग फिगर बताएं जो भी आ रही है, और एंड में जो भी बच गया उसकी खैर। इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, नई चीज क्या आई है बीच में? इंटरेस्ट पेबल भी उसमें ऐड हुआ है, और इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट है। तो यहां एक टेबल बना लें, फिर इसकी अपनी एंट्रीज भी करवानी है।
अगर रेंटल बेटा एडवांस होगा तो फिर भी ऐसे ही होगा, फिर भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कहेंगे आप। क्या ये आखिरी एग्जाम्पल आ गई? अगर रेंटल एडवांस होगा तो क्या आखिरी सवाल हो गया यार? जिशांत को दागा नाम नहीं यार। अगर ये हो गया तो इसको तो रहने दें, अगर वो हो गया तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह वो भी करने लगे यार। अगला पेज देख लें जल्दी से, एडवांस का मैं सवाल है, रहने दें यार, पहले ये तो कर लें। सर ये एक साल गुजरा है सर, नहीं हुआ ना, थर्ड ईयर में नहीं हुआ, थर्ड ईयर में पैसे नहीं दिए आपने, थर्ड ईयर में रेंटल दिया ही नहीं। अब इसका मतलब ये होगा कि 84,000 आप दे रहे हैं चौथे साल में, उसमें पिछले दो दो सालों का इंटरेस्ट देंगे। तो अभी एक सेकंड है, एंट्रीज करते हैं। पहले दूसरे साल का इंटरेस्ट साथ साथ दिए, थर्ड ईयर में कुछ दिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट थर्ड ईयर का थर्ड ईयर में ही रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, उसकी पेमेंट अब कब होगी? अभी देखिएगा, जब मुझे आप 84,000 की एंट्री करवाएंगे तो मेरा ख्याल है वो खुल खुला के आपके सामने बात आ जाएगी। असल में ये एक फिगर बनी ना 76364, इसके अंदर अब वो भी है। तो एक सेकंड एंट्री, इसलिए मैं कह रहा हूँ एंट्रीज करवा दीजिएगा। ये टेबल बनाने की सेंस समझ आ गई? इंटरेस्ट प्लस क्यों हुआ? पे नहीं, पे नहीं हुआ तो टोटल पेएबल पे इंटरेस्ट आया, बाकी फिगर मैंने वैसे सॉल्व की, लेकिन एंट्रीज जरा कर लें, एंट्रीज में समझ आएगा। अच्छा, अगर आप अलाउ करें तो पहले दो साल की एंट्रीज अगर सिर्फ बोल लें, क्योंकि उनमें शायद प्रॉब्लम नहीं है, 19 और 20 की करवा दीजिएगा। फर्स्ट टू ईयर्स की एंट्रीज वैसे ही बोल रहा था, पहली डेट 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 डेट, फर्स्ट जनवरी 18 एंट्री बोले, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब राइट ऑफ यूज का एक सेकंड इग्नोर करें, उसका डेप्रिशिएट होना है, जो भी होना वो करता रहेंगे। नेक्स्ट रेंटल की एंट्री बताए, लीज लायबिलिटी डेबिट 42858, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। 19 वाली, सॉरी 19 कैंड वाली, हाँ ठीक है। अब आप डेट लिखें 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर लग रहा जी। बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अब इसमें दो चॉइसेस हैं और दोनों इशू हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों तरीके हो सकते हैं, इशू कोई नहीं है। तो हो सकता है कि ऑल्टरनेट बात करें, मैं दोनों तरह भी करने लगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट दूसरा करवाएं। मेरी सजेशन ये है कि एंट्रीज ना बदलें, मेरी सजेशन ये है एंट्रीज ना बदलें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। हम शायद इंटरेस्ट को जब भी अक्रू करते हैं रिलीज के सवालों में तो क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंस डेबिट पेबल पे। यकीनन अल्टरनेटिवली क्या किया जा सकता है, इंटरेस्ट पेबल की जगह लीज लायबिलिटी में ही ये इंटरेस्ट भी इकट्ठा किया जा सकता है। मैं दोनों तरह से ही कर देता हूँ, और डेफिनेटली आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना चाहेंगे, लेकिन जैसे भी आप फाइनल कर लेंगे मुझे जरूर बता दें, लेकिन भी आप कंप्लीट करवा दें। तो या क्या क्रेडिट, या क्या क्रेडिट, लेकिन ये आप कहना कीजिएगा मैंने डिवाइड बाय लीज लायबिलिटी कर दी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 31 दिसंबर 2021 पे, अब जब 84,000 पे होगा तो फुल कंसंट्रेट करें, रुक जाए जहां भी है, नहीं तरतीब मेरी रख लें, अमाउंट आप बताएं, कैश कितने से क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने से डेबिट इस साल का 7636। अब जो 76,000 आ रहा टेबल में, जरा गौर से देखें टेबल टेबल टेबल, इस 76,000 को जरा बैलेंस के कॉलम में पिछले साल जाके देखें। इस 76,000 में दो चीजें हैं, कौन कौन सी, पिछला इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो अगर मैंने पेबल वाली एंट्री की है, इंटरेस्ट पेबल वाली, तो मैं फिर एंट्री ये करूंगा, इंटरेस्ट पेबल डेबिट, बोले 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 6942, और कैलकुलेटर पकड़ना जरा, 76364 माइनस 6942 आना वही है, वैसे अगर कोई देख रहा है गौर से तो वो वाला आ जाएगा,
वो प्रिंसिपल आ जाएगा 6944, चल दो भी यार 422, इसके अगेंस्ट क्या डेबिट करूं ये बता दे, लीज लायबिलिटी डेबिट नहीं क्लियर हुआ, 7636 क्या है, 21 का इंटरेस्ट, 6942 क्या था, पिछला इंटरेस्ट, वो पे हो रहा है, वो लायबिलिटी खत्म हुई, और बैलेंसिंग फिगर से जो प्रिंसिपल था वो खत्म हुआ। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन दूसरा भी फाइनल कर लग रहा है, अगर ये लायबिलिटी क्रेडिट की होगी आपने पहली एंट्री में, इंटरेस्ट पेएबल की जगह लायबिलिटी क्रेडिट की होगी, तो आपकी एंट्री ये बन रही होगी, कैश क्रेडिट 84, एक्सपेंस डेबिट इस साल का 7636, और आपने क्योंकि लायबिलिटी में ही प्लस कर लिया था, तो आप फिर अपनी लीज लायबिलिटी को डेबिट करेंगे 7634 से। तो दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है, जैसे आप चाहें वैसे आप मुझे बता दें कि आप कैसे करना चाह रहे हैं, देख दोनों तरह लें, और कोई कंसेंसस अगर डेवलप होता है तो ठीक है, वरना फिर मेरे पास माइक है, मेरी बात मान लीजिएगा, नहीं या तो अपनी मनवा लें, लेकिन कंसेंसस से मनवाना, ये ना कह दीजिएगा अगली दफा भी हम दो दो कर लेंगे। ये एंट्री दोनों तरह से समझ आई है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट साहब बता दो, नहीं अब ये डेफिनेटली चॉइस है कि कौन सा तरीका अडॉप्ट करना, इसमें चॉइस है, कोई गलत सही वाली बात नहीं है। लेफ्ट साइड पे ये जो मैंने एंट्री की है इसमें लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट, 6942 समझ आ गया कैसे आया, फिर ब्रेकअप कर लेंगे जो उसके अंदर इंटरेस्ट शामिल हो। ये कौन सा सही लगा, चलो मेरा ख्याल है फिर जिसका जो दिल कर वो कर ले, लेकिन जो भी करे वो सही करे, जितनी जगह होगी उसके मुताबिक कर लिया करे। ये पेज नंबर 393 पे एक एग्जांपल का डाटा ड्रॉ करें, कौन सी एग्जांपल लिखी हुई, एग्जांपल नंबर चेक करके बताएं कौन सी लिखी हुई है, डेटा वो कहता है लीज कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 1990, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ लें साथ मिल गए आप, देर आर 7 एनुअल रेंटल्स ऑफ, देर आर 7 एनुअल रेंटल्स ऑफ 60,000 इन एरियाज अंडरलाइन रही टू बी पेबल अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर No rentals are payable in 4th and 5th year. Lease commencement dates ध्यान में रख के मुझे बताएं किन किन ईयर एंड पे ये रेंटल पे होने हैं, 31 December 2020, 2021, 2022 और 2023 पे नहीं होना, पूरे करवाएं 24, 25, 26, 27, 28, कहां रुकना भी है जब 7 पूरे हो गए, दोबारा गिनते हैं, मैंने आपने नहीं गिने मैंने गिने, तो मेरा तो ख्याल है अब एन्यूटी यूज हो जाएगा यार, इक्वल रेंटल्स हैं, अब क्या मसला हो गया, एन्यूटी कब यूज होता है, एक से ज्यादा हो, सेम हो और गैप कांस्टेंट हो, थर्ड और फोर्थ ईयर में गैप कांस्टेंट नहीं रहा, 2 सालों का गैप आने से अगले का कांस्टेंट नहीं रहा, चले ये कैसे होना है ये इंशाल्लाह कल बहस करेंगे, लंबी बहस है, तो आज बस जजाकल्लाह।